और अब बात होगी बिहार की। बिहार में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और इससे पहले ही प्रदेश में वोटिंग को लेकर सियासी हलचल तेज है, लेकिन बिहार की पांचों सीटों पर धनबल की धमक है। इस रिपोर्ट से जानिए कौन उम्मीदवार कितनी संपत्ति के मालिक हैं। लोकसभा चुनाव का चरण, चुनाव मैदान में हाई प्रोफाइल दिग्गज। बिहार में एनडीए के सामने किला बचाने की चुनौती। चौथे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। दो मंत्री और दो केंद्रीय मंत्रियों की अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब चौथे फेज की तैयारी है। चौथे चरण में बीजेपी को अपने दिग्गजों को फिर लोकसभा भेजने की बड़ी चुनौती है। इस फेज में फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का फायर बरकरार रखना है तो जियारपुर से नित्यानंद राय को सीट बचाने की जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। कड़ी चुनौती तो दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को भी मिल रही है। इन सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। वही मुंगेर में ललन सिंह की अनिता देवी से तो समस्तीपुर में नेताओं की बेटे बेटियों से मुकाबला है। बिहार की पांच लोकसभा सीटें बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, समस्तीपुर और उजियारपुर में चौथे चरण में मतदान है, लेकिन इन पांच संसदीय सीटों पर खड़े 55 उम्मीदवारों में 23 धनबल के धनी हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो करोड़पति की गिनती में हैं। किस पार्टी के कितने प्रत्याशी करोड़पति? बीजेपी 3, आरजेडी 3, एसयूसीआई 2, अखिल भारतीय परिवार पार्टी 1, जनता राज विकास पार्टी 1, कांग्रेस 1, जागरूक जनता पार्टी 1, लोजपा 1, जेडीए की 1, कर्पूरी जनता पार्टी 1, बसपा 1 प्रत्याशी इनके करोड़पति हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में हुए 3 चरण के चुनाव में से सबसे ज्यादा करोड़पति प्रत्याशी चौथे चरण में हैं। इनकी औसतन जायदाद 2,88,00,000 रुपए है और आपराधिक मामले जिनके खिलाफ चल रहे हैं उन उम्मीदवारों की संख्या 3 चरणों के प्रत्याशियों के मुकाबले चौथे चरण में घटी है। 55 में केवल 10 उम्मीदवारों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट भी इसी आधार पर तैयार की गई है जिसका खुलासा किया है। उजियारपुर से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय ने 18 करोड़ रुपए से ज्यादा जायदाद हलफनामे में बताई है। इनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। लेकिन बेगूसराय से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कम है, ये चौथे चरण में अव्वल है। इसी तरह चौथे चरण के चुनाव में खड़े बीजेपी के 3 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2 आरजेडी और 1 भाकपा उम्मीदवार ने भी अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की बात नामांकन के दौरान स्वीकार की है। धनबल में नित्यानंद राय के बराबर आरजेडी की टिकट पर दरभंगा से चुनाव लड़ रहे ललित कुमार यादव हैं। इन्होंने भी 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अपने हलफनामे में दर्शाई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 14,31,00,000 रुपए और मुंगेर से चुनाव लड़ रहे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने 13,78,00,000 रुपए की संपत्ति घोषित की है। चौथे चरण में बिहार के कुल 56 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी की किस्मत का फैसला 13 मई को मतदाता करेंगे। देखना यह है कि पब्लिक इस बार किसके सिर जीत का सहरा बांधती है, या फिर वही नेता रिपीट करेंगे या कोई बदलाव होगा। महागठबंधन तस्वीर बदलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।